वेलकम डियर रॉकर्ट्स, आज की मूवी देखने से पहले जरा स्वेटर वेटर पहन लेना, क्योंकि इस मूवी को देखते हुए आपके हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं। इतनी थ्रिलिंग हॉरर मूवी है जिसका नाम है हेल होल, यानी कि नर्क का गड्ढा, जो कि 2022 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। मुझे तो देखकर बहुत डर लगा, तो सोचा आपको भी थोड़ा डरा ही दूं। मूवी का हीरो एक प्रिस्ट है जो लोगों की बस्तियों से दूर एक अजीब दिखने वाले चर्च में जाता है, जहां बहुत ही मिस्टीरियस चीजें हो रही है। वो पता लगाने के लिए आया है कि आखिर वहाँ पर क्या और क्यों हो रहा है। क्या वो सच का पता लगा पाता है, या फिर अपने ही बारे में एक खतरनाक सच जान पाता है? ऐसा उस चर्च में क्या हो रहा है, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। शुरू से अंत तक आपको एहसास होगा कि आप खुद ही इस मूवी के अंदर हैं, और ऐसा क्लाइमेक्स आपने आज तक किसी और मूवी में नहीं देखा होगा। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर, यानी कि हेल होल के अंदर। मूवी की शुरुआत 1957 में होती है। आधी रात को एक प्रेस्ट की कार चर्च के पास जाकर रुकती है। प्रेस्ट अपने हाथ में कुछ उठाकर अंदर जाता है और रोता हुआ बड़बड़ाता है कि भगवान मुझे माफ कीजिए, इस शैतान के बीज को मैं खत्म करने जा रहा हूँ, वरना यह दुनिया को मिटा देगा। प्रेस्ट के हाथ में एक बच्चा है जो रोता बिलखता हुआ उसे देख रहा है। उसे मारने के लिए प्रेस्ट एक चाकू निकालता है, तभी बच्चे के कंधे पर एक अजीब निशान को दिखाते हैं। प्रेस्ट उसे मारने के लिए चाकू पर उठाता है, और तभी दरवाजा टूटता है और दो पुलिस वाले गन तान कर अंदर आते हैं और कहते हैं कि चाकू फेंक दो वरना शूट कर देंगे। पर प्रीस्ट बार बार कहता है कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये शैतान का बच्चा है, इसे मैं तो मार कर ही रहूंगा। पुलिस वाले उसे वार्न करते हैं पर वो मानता ही नहीं, इसलिए वे प्रीस्ट को शूट कर देते हैं। फिर वे उस बच्चे को उठा लेते हैं और वो बच्चा अब हंसने लगता है। 30 साल के बाद दिखाते हैं कि एक सुनसान जगह पर एक बस आकर रुकती है, जिसमें से मूवी का हीरो आकर उतरता है। वो अपने मैप को रेफर करते हुए जंगल के रास्ते से एक पुराने कैंपस में पहुंचता है, जहां चर्च, कॉन्वेंट, सैनिटोरियम वगैरह एक ही जगह पर है। वहां वो एक प्रिस्ट से मिलता है और कहता है कि मैं फादर मार्क हूं, यानी हीरो खुद एक प्रिस्ट भी है। यहां का हेड प्रिस्ट, जिसे प्रायर कहते हैं, वो मार्क का स्वागत करता है और बहुत ही खुश है कि मार्क जैसा यंग प्रिस्ट एक्सोरसिज्म सीखने यहां पर आया है। दरअसल इस जगह पर मेनली झाड़ फूंक या एक्सोरसिज्म किया जाता है। जिन लोगों पर शैतान ने कब्जा किया है उनका यहां पर ट्रीटमेंट होता है और उनके शरीर से शैतान को भगाया जाता है। इस तरह सैनिटोरियम के बारे में प्रायर एक्सप्लेन करता है। अब वो मार्क को एक और हट्टे जट्टे फादर के पास लेके जाता है, जो मार्क का बैग वगैरह चेक भी करता है। वे बताते हैं कि यहाँ पर हम खतरनाक शैतान को भगाने का काम करते हैं, इसलिए बाहर से ऐसी कोई चीज अंदर अलाउड नहीं है जिससे कि हमारा काम मुश्किल हो जाए। चेकिंग क्लियर होने के बाद वो मार्क को एक जपमाला देता है, लेकिन मार्क मना करते हुए कहता है कि मेरे पास अपनी जपमाला है। फिर प्रायर मार्क को उसका कमरा दिखाता है और कहता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कैंडल से ही काम चलाना पड़ेगा। अब तुम आराम करो, मैं लंच टाइम में तुमसे मिलूंगा, और किसी भी हालत में रात को बाहर मत जाना, क्योंकि वो इस चर्च के रूल्स के सख्त खिलाफ है। ये कहकर प्रायर चला जाता है। मार्क अपनी शर्ट उतारता है तो उसके कंधे पे वही निशान होता है जो शुरुआत में उस छोटे बच्चे के कंधे पर था, यानी यही वो बच्चा है। ड्रेस चेंज करके मार्क अपना बॉक्स खोलता है तो उसमें एक सीक्रेट कंपार्टमेंट होता है जिसे उन लोगों ने चेक नहीं किया था। उसके अंदर एक गन, एक छोटा कैमरा और एक न्यूज़पेपर कटिंग होती है। उसमें लिखा है कि इस एरिया में कई औरतें मिस्टीरियसली गायब हो गई हैं। यानी मार्क यहाँ पर एक्सोरसिज्म सीखने नहीं बल्कि कुछ और ही पता लगाने के लिए आया है। लंच में उन्हें अजीब तरह का खाना परोसा जाता है। मार्क उसे सूंघता है तो उल्टी आ जाती है, लेकिन वो नहीं चाहता कि ये लोग उस पर किसी भी तरह का कोई शक करे, इसलिए बड़ी मुश्किल से वो उसे खा लेता है। लेकिन तभी एक प्रीस्ट उसे घूरता है। ये प्रायर का असिस्टेंट जेरोम है। उस बदबूदार लंच के बाद तो मार्क सैनिटोरियम में टहलता है और देखता है कि वहाँ कारागार जैसे कई कमरे हैं। एक कमरे में एक औरत को चेन से बांध कर रखा हुआ है और जेरोम उसे खाना खिला रहा होता है। तब मार्क रियलाइज करता है कि ये एक मेंटल असाइलम की तरह है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ के पेशेंट्स भूत प्रेत या शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। उसी शाम को उस औरत का एक्सोरसिज्म किया जाता है। उसका प्रोसेस सीखने के लिए मार्क को भी बुलाया जाता है। प्रायर मार्क से पूछता है कि बाइबल में एक्सोरसिज्म का वक्त क्या बताया गया है, बताओ जरा। मार्क ठीक ठीक बताता है कि 6 बजे शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसी वक्त शैतानी शक्ति कमजोर होती है। फिर वे कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। वे इस एक्सोरसिज्म को वीडियो रिकॉर्ड भी करते हैं। मार्क पूछता है कि आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। प्रायर बताता है कि एक्सोरसिज्म के दौरान ऐसी कई चीजें होंगी जो हमारी आंखों को नजर नहीं आती, लेकिन कैमरे में कैप्चर की जा सकती है। इतना ही नहीं, हम इसे रिपोर्ट के तौर पर वेटिकन चर्च भी भेजते हैं कि हम ये सारे काम यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए हम रिकॉर्ड करते हैं। अब वे प्रार्थना शुरू करते हैं।
है। तभी वो औरत अपने शरीर को मरोड़ने लगती है। प्रार्थना और भी लाउड होती है तो वो पलंग हिलने लगता है जिस पर उस औरत को बांधा गया है। अचानक बहुत तेज हवा चलती है। वो औरत उठकर बैठ जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी प्रीस्ट के हाथ में रखा हुआ क्रॉस जलने लगता है। ये सब देखकर तो मार्क को बहुत डर लगता है। एग्जॉर्सिज्म के बाद भी मार्क वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि यहाँ हुआ क्या है। दीवार पर रखा हुआ आईना अपने आप क्रैक होने लगता है। मार्क खुद किसी अमानुष्य शक्ति को फील कर पाता है, पर उसे डरना नहीं बल्कि सच का पता लगाना है। वो सबसे पहले प्रायर के कमरे में चेक करने का फैसला करता है, पर हट्टा कट्टा फादर उसको रोकता है कि जब तक प्रायर तुम्हें खुद अपने ऑफिस रूम तक नहीं बुलाते तुम वहां नहीं जा सकते। डिनर के वक्त फिर वही घिनौना और बदबूदार खाना दिया जाता है। अब एक प्रिस्ट उसे खाने से इनकार करता है, लेकिन दूसरा प्रिस्ट उसके कान में कुछ कहता है तो वो डर के मारे खाने लगता है। अब मार्क रियलाइज करता है कि यहां पर कई प्रिस्ट बिना अपनी मर्जी के रह रहे हैं। खाना खाकर मार्क अपने कमरे में आकर बहुत उल्टी करता है। तभी उसका एक दांत बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसमें छेद करके एक मक्खी बाहर निकल रही है। मार्क को लगता है कि जरूर खाने में कुछ मिलाया गया है जिसकी वजह से उसे ऐसे ऐसे इल्यूजन्स हो रहे हैं। उसे जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना होगा। उसी रात जब बाकी लोग सो जाते हैं तो मार्क चुपके से प्रायर के कमरे के पास जाता है, अपनी जपमाला निकालता है जिसमें एक छोटा सा टूल लगा हुआ है। उसकी मदद से वो प्रायर का ऑफिस रूम खोलता है और कुछ ढूंढने लगता है। वहां पर एक सीक्रेट रूम होता है जहां कई वीडियो कैसेट्स रखे हुए हैं। हर कैसेट पर अलग अलग औरतों के नाम लिखे हुए हैं। वो आज शाम को हुए एक्सोर्सिज्म का कैसेट देखता है। उस वक्त जो आंखों को सच लग रहा था वो इस रिकॉर्डिंग में थोड़ा अजीब लगता है और मार्क को शक होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो लोचा जरूर है। फिर वो उस एग्जॉर्सिज्म वाले कमरे में जाकर देखता है। वहाँ बेड के नीचे एक इंजेक्शन मिलता है, शायद नशीले पदार्थ का इंजेक्शन है। बेड के पास दो स्विचेस होते हैं जिस पर खड़े होने के बाद बेड हिलता है। ये कोई मैकेनिकल सेटिंग है ना कि कोई भूत। तभी किसी की आहट सुनकर वो एक जगह छिप जाता है। कुछ देर बाद उस जगह पर एक स्विच देखता है जिसे ऑन करने पर एक फैन चालू होता है जिससे तेज हवा आती है। लेकिन वो क्रॉस अपने आप कैसे जलने लगा ये जानने के लिए वो उस क्रॉस को उठाकर देखता है। उसमें भी एक स्विच होता है जिसे ऑन करते ही आग लग जाती है। ये थोड़े बड़े साइज का लाइटर मालूम होता है। अब कंफर्म हो चुका है कि ये लोग एक्सोसिज्म के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन क्यों? अगर किसी ने गैस कर लिया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों। अब अगले दिन मार्क इंग्लिश में प्रार्थना करता है तो प्रहर उसे रोककर लैटिन में जपने को कहता है, लेकिन मार्क को लैटिन तो आती नहीं तो वो डगमगाने लगता है। जेरम फिर उसकी मदद करना चाहता है लेकिन प्रायर उसे गुस्से से देखकर चुप करा देता है। अब प्रायर को धीरे धीरे मार्क पर शक होने लगा है। उस दिन भी वो वही नर्क वाला खाना खाता है। आज मार्क के हिस्से में एक चिपचिपा मांस का टुकड़ा आता है जो शायद किसी भी जानवर का हो सकता है। फिर भी मार्क उसे चुपचाप खाता है क्योंकि आज वो यहाँ से कैसे भी करके बच निकलने वाला है। फिर अपने कमरे में जाकर न्यूज़पेपर कटिंग और अपनी दूसरी चीजें जाकर वो जला देता है और सिर्फ एक गन लेकर बाहर कैजुअली जाता है, पर हर तरफ गेट लॉक करके रखा हुआ है। तभी खिड़की से वो देखता है कि कुछ प्रीस्ट मिलकर किसी को दफना रहे हैं। शायद ये लोग उस औरत को दफना रहे हैं जिसका पिछली रात को एक्सोर्सिज्म किया गया था। वो भागकर उस औरत के कमरे में चेक करता है तो वहाँ खून के अलावा कुछ नहीं होता। और तभी उसके पीछे जेरम आकर कहता है कि तुरंत कन्फेशन कैबिन में जाओ। मार्क को लगता है कि जेरम उसे बचाना चाहता है, इसलिए वो सीधे कन्फेशन कैबिन में जाता है। वहाँ जेरम बताता है कि मैं भी जानता हूँ कि यहाँ बहुत ही गलत और खतरनाक चीजें होती है। तुम्हारी मैं भी यहाँ से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन पकड़ा गया और मुझे भी कुछ दिनों के लिए एक कारागार में बंद कर दिया गया था। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि तुम यहाँ रहने की आदत डाल लो। पर तब मार्क रिवील करता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है जो कुछ औरतों का मिसिंग केस इन्वेस्टिगेट करने यहाँ पर आया है और पुलिस को इस चर्च पर शक भी है, लेकिन वे डायरेक्ट चर्च पर इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि आम लोग इससे भड़क जाएंगे, इसलिए मुझे प्रीस्ट बनकर आना पड़ा। इस पर जेरम बताता है कि अगर इस चर्च में एक्सोसिज्म जैसी चीजें नहीं होती तो प्रायर को वेटिकन के चर्च से फंड नहीं मिलता और पैसों के बिना प्रायर का यह सेनेटोरियम बंद हो जाएगा और उसका इनकम भी। इसलिए प्रायर एक्सोसिज्म का ड्रामा करके उसकी वीडियो वेटिकन चर्च को भेजता है। उन लोगों को भी लगता है कि चलो यहां शैतान से पीड़ित लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, इसलिए वे इस चर्च को फंड भेजते हैं। अपना ये कारोबार चलाने के लिए प्रायर आसपास रहने वाली औरतों को किडनैप करके उन्हें तरह तरह के नशीले पदार्थ देता है जिससे औरतें बिल्कुल वायलेंट हो जाती हैं। फिर प्रायर उनका झाड़ फूंक करवाता है और वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सेटिंग के साथ। लोगों को भी विश्वास हो गया कि सच में भूत शैतान वगैरह होते हैं और प्रायर उन्हें भगाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। अब मार्क जाकर उस औरत की कब्र को खोदता है और शव पेटी खोलता है, पर वो एकदम खाली। तभी पीछे से हट्टा कट्टा फादर उसे मारता है। अगले सीन में मार्क को बेड से बांध कर रखा गया होता है। तभी प्रायर आकर कहता है कि ये आपने क्या कर दिया फादर।
मुझे लगा कि आप हमारे साथ रहकर हमारे कर्मकांड सीखेंगे, लेकिन आप तो हमारी कब्र खोदने लगे। उसके मुंह से फादर सुनकर मार्क रियलाइज करता है कि इन लोगों को अब तक ये पता नहीं है कि मार्क एक पुलिस ऑफिसर है जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आया है। अप्रैर खून से भरा मांस का गुच्छा उसे खिलाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खाता तो वे जबरदस्ती 4 बर्तन भरकर मांस का गुच्छा उसके मुंह में दबा दबा कर खिलाते हैं। मार्क तो बेहोशी हो जाता है। फिर जब मार्क को होश आता है तो हट्टा कट्टा फादर सो रहा होता है। मार्क अपने दांतों से अपनी रस्सी खोलता है। इतने में हट्टा कट्टा फादर जाग जाता है और दोनों में हाथापाई होती है। फिर कोई रास्ता न पाकर मार्क उसके मुंह में पिलो दबाकर अपने गन से उसे शूट कर देता है। पर जाने से पहले वो जानना चाहता है कि ये लोग इतने दिन मुझे क्या खिला रहे थे जो इतना बदतर था। वो एक सीक्रेट चैम्बर में जाता है जहाँ इनका खाना बनाया जाता है। वहाँ हर तरफ मांस ही मांस पड़ा है, लेकिन मांस आखिर है किस जानवर का। इस कंफ्यूजन में मार्क एक डोर खोलता है और उसके अंदर देखकर उसे उल्टी आने लगती है। दरअसल ये लोग जिन औरतों को पकड़कर लाते थे और एक्सोरसिज्म का ड्रामा करते थे, उन औरतों की लाशें मांस के टुकड़ों की तरह लटक रही होती है। ये लोग इन्हीं औरतों का मांस खा रहे थे। अब ये देखकर मार्क को तो चक्कर आने लगते हैं। तभी जेरोम आता है और वो खुद ये देखकर शॉक्ड होता है। जेरोम कहता है कि मैं तुम्हें एक और राज बताऊंगा, चलो मेरे साथ। फिर वो मार्क को एक लाइब्रेरी में लेके जाता है जहाँ वो 800 साल पुरानी एक बुक निकालता है। उस बुक में लिखा है कि धरती पर एक बच्चा जन्मेगा और चंद्र ग्रहण के दिन उसके शरीर पर अपने आप ही एक निशान बनेगा। उस बच्चे को मार डालना होगा क्योंकि उसी के जरिए शैतान इस धरती पर आएगा और दुनिया के सारे इंसानों का खून पी जाएगा। ये कहकर वो पन्ना पलटता है तो उसमें वो सिंबल होता है जिसको देखकर मार्क अपने कंधे को टच करने लगता है, क्योंकि यही सिंबल मार्क के कंधे के निशान से एकदम मैच करता है। अब जेरोम को भी ये राज पता चल चुका है। वो कहता है कि देखो छोटे फादर, तुम प्लान बनाकर यहाँ नहीं आए, बल्कि प्रायर ने मास्टर प्लान बनाकर तुम्हें यहाँ पर बुला भेजा था। पर उसने तुम्हें अब तक मारा क्यों नहीं, ये मुझे पता नहीं। मुझे तो लगता है कि प्रायर शैतान को इस दुनिया में लाना चाहता है, पर क्योंकि मार्क एक पुलिस ऑफिसर है तो वो ऐसी बेहुदा बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जेरोम कहता है कि इससे पहले कि प्रायर और उसके साथी इस बुक में लिखे कर्म कांड करके तुम्हारे जरिए शैतान को इस दुनिया में लेके आए, तुम यहाँ से फौरन बच निकलो। ये कहकर वो मार्क को एक अंडरग्राउंड टनल में लेके जाता है, लेकिन वहाँ 2 प्रिस्ट मार्क को मार मार कर बुरा हाल कर देते हैं। दरअसल ये जेरोम तो प्रिस्ट से भी बहुत बड़ा एक्टर निकला। ये प्रायर का आदमी है और मार्क को फंसाना चाहता था। अब मार्क को उस अंडरग्राउंड टनल से भी बहुत नीचे एक गुफा में बांध देते हैं जो 800 साल पहले बनाई गई थी। उस गुफा के बीच अब मास्टरमाइंड प्रायर रिवील करता है, हमारा ग्रुप 800 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि कब तुम पैदा होंगे और कब हम शैतान को इस दुनिया में लेके आएंगे। कई हजारों सालों से भगवान का ही राज चल रहा है, लेकिन बुरे इंसानों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें सिर्फ शैतान ही खत्म कर सकता है। शैतान ही हमारा भगवान है और अब उसका राज शुरू होने जा रहा है। मार्क बहुत चिल्लाता है कि तुम लोग बेवकूफ हो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा डिपार्टमेंट तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। लेकिन वे अपनी प्रार्थना स्टार्ट कर देते हैं। 800 साल पहले लिखे गए किताब के अनुसार इस कर्मकांड के लिए इन्हें एक इनोसेंट औरत का खून चाहिए, तो वे उस औरत को पकड़ कर लेके आते हैं और भेड़ बकरी की तरह उसकी गर्दन काट कर उसका खून पीते हैं और प्रार्थना करते हैं कि शैतान इस दुनिया में जल्द से जल्द आ जाए। फिर वे जबरदस्ती मार्क को भी खून पिला देते हैं। वे कुएं की ओर देखकर जोर जोर से मंत्र जाप करते हैं क्योंकि इस कुएं से शैतान निकलने वाला है। लेकिन बहुत देर तक सबका टाइम वेस्ट करने के बाद भी कोई शैतान वहां निकलता ही नहीं। अब प्रायर टेंशन में पीछे मुड़कर जेरोम से पूछता है, इस बुक के सारे स्टेप्स तो हमने फॉलो कर दिए, फिर शैतान क्यों नहीं आ रहा। बातों ही बातों में जेरोम बोल देता है कि आपने दिल से मंत्र जाप नहीं किया होगा या कोई स्टेप मिस कर दिया होगा। अब बाकी प्रेस्ट भी भड़क जाते हैं कि क्या 800 साल से हमारी पुश्तें बेकार कर्मकांड कर रही थी, आपने जरूर ठीक से प्रोसेस को फॉलो नहीं किया होगा। इस तरह सभी प्रायर पर बरस पड़ते हैं। पीछे से मार्क डकार मार कर हंसता है कि ये लोग तो उल्लू के पट्टे निकले, जाओ जाओ यहाँ कोई शैतान नहीं आएगा क्योंकि तुम ही लोग सबसे बड़े शैतान हो। अब जेरोम को गुस्सा आता है और वो मार्क के पेट में चाकू घुसा देता है। फिर दूसरों से कहता है कि सब अपने अपने कमरे में जाओ और कल से हम वही पुराना एग्जोसिज्म का ड्रामा करेंगे और हमें फंड मिलता रहेगा, इस तरह हम गुजारा कर लेंगे, शैतान के बारे में फिलहाल भूल जाओ। फिर वे मार्क को शैतान के कुएं में डालकर चले जाते हैं। इस पॉइंट पर अगर आप
आप हॉरर फिल्म में डरने के बजाय हंस रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। वैसे पर एंड में हॉरर ही हॉरर है। यहाँ प्रायर परेशान है कि उसका मिशन फेल हो गया और वो शराब पीकर सुट्टा मारने जाता है। फिर जेरोम उसे ले जाकर बेड पर सुला देता है और एक पिलो उसके मुंह पे दबाकर उससे खत्म कर देता है। आज से इस सैनिटोरियम का हेड प्रिस्ट मैं हूँ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। अगले दिन वो बड़े दुख के साथ सबको बताता है कि मैं यहाँ आया तो प्रायर मरे पड़े थे, शायद शैतान वाला मिशन फेल होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो मर गए। वे भी जेरोम को दिलासा देते हैं और उसे ही हेड बना देते हैं। लो, इसका तो फ्यूचर सेट हो गया। पर तभी हम देखते हैं कि मरे हुए प्रायर के मुंह से मक्खी निकलकर पूरे सैनिटोरियम में घूमती है। आखिर में वो नीचे उस कुएं में जाकर मार्क के ऊपर बैठती है। अगले ही सेकंड मार्क उठ जाता है और दर्द के मारे चिल्लाता है। लगता है वो अभी मरा नहीं। फिर धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगता है। यहाँ जेरोम मरी हुई औरतों के मांस वगैरह को जलाने का ऑर्डर देता है क्योंकि मार्क को ढूंढने पुलिस जरूर आएगी और उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिलना चाहिए। फिर वे प्रायर का अंतिम संस्कार करते हैं। प्रार्थना के दौरान अचानक जेरोम का मुंह अपने आप ही लैटिन में शैतान के गुण गान गाने लगता है। वो अचानक हवा में उड़ता है, उसके हाथ पैर मरोड़ने लगते हैं और उसके शरीर के अंदर से लाखों मक्खियां निकलती है। देखते ही देखते वो जलकर राख हो जाता है और उसके ड्रेस नीचे गिरते हैं। और तभी उस कुएं के अंदर से एक रूप निकलता है। यही है असली शैतान, यानी मार्क ही वो शैतान है। वो आकर सबके सामने खड़ा हो जाता है और ऐसी घनघोर आवाज में चिल्लाता है कि सब वहीं के वहीं फ्रीज हो जाते हैं। तभी सूली पे चढ़े हुए जीजस का फेस मुड़कर शैतान की तरफ देखता है और शैतान जीजस की पोजीशन में खड़ा हो जाता है। बाकी प्रिस्ट भी वैसे ही पोजीशन में खड़े हो जाते हैं और सभी हवा में मुड़कर उल्टा लटकते हैं। चर्च क्रैक होने लगता है और बाहर देखते हैं कि पूरी दुनिया ही उल्टी हो चुकी है, यानी अब आसमान ही जमीन है और जमीन ही आसमान। सूखे हुए पेड़ पौधे फिर से फलने फूलने लगते हैं। नीचे आसमान में एक बड़ा गड्ढा बन जाता है और शैतान की कठोर और डरावनी आवाज सुनाई देती है, यानी अब इस धरती पर शैतान का राज होगा और जीव जंतु में शैतान ही बसेगा। इसी खतरनाक मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी और अगर मजा आया हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।